हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है अनुवर्तन, ट्रॉपिक मूवमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्लांट्स में ये मूवमेंट देखने को मिलती है कि पौधे की जड़ें जो हैं वो जल की ओर जाती हैं या भूमि की ओर, मिट्टी में गहराई की ओर जाती हैं। तना जो है वो हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। तो जब तना प्रकाश की ओर गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। तो जड़ें जो हैं वो जल की ओर गति करती हैं, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म या जल अनुवर्तन कहते हैं। ऐसे ही जड़ें जो हैं वो मिट्टी में गहराई की ओर जाती हैं, इसको हम गुरुत्व अनुवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग दर्शाते हुए मैं दो लूँगी टॉपिक इसमें, एक तो जल अनुवर्तन लूँगी और एक मैं अगला क्वेश्चन जो लूँगी वो प्रकाश अनुवर्तन का लूँगी। तो जल अनुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो एक लकड़ी का हमने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है और उस बॉक्स में मिट्टी डाल देनी है, खाद डाल देनी है और उसके एक साइड पे हमने एक छोटा सा प्लांट लगा देना है और दूसरी साइड में एक हमने कीप लगा देनी है। ठीक है, अब इस प्लांट को पानी जो है ना इसी कीप के थ्रू देना है। 10-12 दिन जब हम पानी इस कीप से देंगे तो उसके बाद आप ये मिट्टी हटा के देखना, इस पौधे की जड़ें जो हैं वो इस तरफ की ओर गति करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि पानी इधर से आ रहा था ना, तो जड़ें जो हैं वो इस तरफ गति करेंगी ताकि पानी को ज़्यादा प्राप्त कर सकें। तो इसका मतलब पौधे की जड़ें जो होती हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो जल की ओर गति करती हैं, इसे जल अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, यही लिखा है इसमें भी। लकड़ी का बना एक हमने लंबा डिब्बा लेना है। ठीक है, ये लंबाई लिया हमने, इसमें मिट्टी और खाद डाल देनी है और एक सिरे पर एक प्लांट लगा देना हमने। तो एक सिरे पर हमने एक प्लांट लगाया है, ठीक है, और दूसरे सिरे पर एक हमने क्या करनी है, कीप लगा देनी है और कीप के द्वारा ही हमने प्रतिदिन इसको पानी देना है। लगभग एक सप्ताह के बाद पौधे की मिट्टी निकाल कर, ठीक है, पौधे के आसपास की मिट्टी निकाल कर जड़ों को देखेंगे हम, तो जड़ें किस दिशा की ओर वृद्धि करती दिखाई देंगी, जिस दिशा की ओर कीप से पानी आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब पौधे की जड़ें जो है जो वो जल अनुवर्तन दिखाती हैं। ठीक है, इसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स, ये तो आपने थर्ड फोर्थ क्लास से करते आ रहे हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक हमने क्या करना है, एक पॉट में क्या कर देना है, एक प्लांट लगाना है और प्लांट को ऐसे कवर कर देना है एक लकड़ी के या गत्ते के बॉक्स से, और एक अंधेरे कमरे में रख देना है और उस कमरे की एक खिड़की में से लाइट आती हो, बस ये ध्यान रखना, बाकी सारा कमरा अंधेरा हो, एक ही खिड़की से, एक ही जगह से लाइट आती हो। तो हम 10-12 दिन के बाद इस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, तो प्लांट का ये जो तना था ना पहले सीधा था, तो धीरे धीरे किस ओर मुड़ गया, इस ओर मुड़ गया जिस ओर से प्रकाश आ रहा था। क्यों मुड़ा, ठीक है, क्योंकि पौधे का जो तना था ना, मान लो ये तना है ना, तना सीधा था पहले, तो प्रकाश इधर से आ रहा था, तो इस तरफ की जो तना है ना, तने के इस तरफ की जो कोशिकाएं थी उसमें ऑक्सीजन हार्मोन जो था ना वो बनना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। इस तरफ तो ऑक्सीजन नहीं बन रहा, इस तरफ बन रहा है, तो इस तरफ से फिर ये तना ऐसे मुड़ना शुरू हो गया। क्यों मुड़ा, क्योंकि पौधे का तना हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। ठीक है, तो इससे इस प्रकार की गति को हम प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा, अब मैं उसको पढ़ के बताती हूँ। पौधे के प्रो मीन्स तना, पौधे के तना तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रो तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन है, जिधर प्रकाश आ रहा उस ओर गति करना धनात्मक। तो पौधे की जो जड़ें थी वो किस ओर गति कर रही थी, आपको पता है, ये जल की ओर गति कर रही थी, कि जल ये धनात्मक जल अनुवर्तन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा इसका पॉइंट, यदि किसी पादप
को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दें जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या फिर दरवाजे की ओर से ही भीतर आता हो, तो कुछ दिनों के बाद प्रो का जो ऊपर वाला भाग है वो स्वयं उसी दिशा की ओर मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रो के शीर्ष में केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो शीर्ष है ना, उसमें ऑक्सीजन उस दिशा में जिस तरह मुड़ना होता है उस दिशा में कम हो जाता है, दूसरी दिशा में ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है ताकि ये फिर ऐसे बेंड हो सके। तो ये तना था ना, तो तने की इस दिशा में कम बनेगा ऑक्सीजन, इधर ज़्यादा बनेगा, तो ये फिर ऐसे बेंड हो जाते हैं। जबकि विपरीत दिशा की ओर हार्मोन उपस्थित रहता है, इस कारण प्रो या तना प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक अनुवर्तन और भी था, वो है गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, पौधे की जड़ें जो हैं वो हमेशा मिट्टी की ओर गति करती हैं। कभी आपने देखा कि जड़ें ऊपर की ओर गति करें नहीं करती हैं? तो कभी भी पौधे की जड़ें ऊपर की ओर गति नहीं करती, ये हमेशा मिट्टी की ओर ही गति करती हैं। इसे हम गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक जो था वो अनुवर्तन का था। ये लेसन था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला लेसन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।